हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण। पुष्टि सिंगर चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ठाकुर जी के लिए श्री अंग के माला जी। श्री अंग के माला जी बनाने के लिए हमें चाहिए ब्लू कलर के मोती, व्हाइट कलर के मोती और ये कॉपर कलर के मोती है। और पैनल बनाने के लिए हमें एक बड़ा मोती चाहिए, एक तार चाहिए और नीडल। ये मैंने 0 साइज की नीडल ली है। सबसे पहले हम पदक बना लेते हैं। व्हाइट छोटा मोती लिया है। अब हम हमारा पदक बन गया। अब हम माला जी बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें 5 व्हाइट कलर के मोती लेने हैं। और अब हमें यहाँ लास्ट में एक मोती, 2 मोती में से निकलना है। देखिए, अब हमें एक और मोती में से निकलना। अब हमें एक कॉपर मोती लेना, एक ब्लू और फिर एक कॉपर। फिर हमें यहाँ से लास्ट का मोती है उनमें से इस तरफ। अब हमें पांच ब्लू कलर के मोती लेना है। और ये ब्लू मोती है उनमें से अब हमें एक व्हाइट मोती लेना है। और यहाँ 1, 2 और ये 3 तीसरा मोती है उनमें से निकलना है। देखिए, अब हमें फिर से एक कॉपर, एक व्हाइट और एक कॉपर मोती लेना है। और ये लास्ट का मोती है उनमें से ही निकलना है। अब हमें 5 व्हाइट मोती लेना है। और अब हमें एक ब्लू मोती लेना है। और यहाँ 1, 2, 3
दूसरे मोती में से निकलना है। अब हमें फिर से एक कॉपर, एक ब्लू और एक व्हाइट मोती लेना है। कॉपर, एक ब्लू और एक व्हाइट, तीन मोती लिए और यहाँ से निकलना है। फिर एक कॉपर मोती और एक ब्लू मोती से निकलना है और फिर अब हमें पांच मोती ब्लू लेने हैं। और ये ब्लू मोती है, उनमें से निकलना है। अब हमें एक व्हाइट मोती लेना है और जो एक दो और ये तीन, तीसरे मोती में से निकलना है। देखिए इस तरह से हमारे फूल के माला जी तैयार होंगे। फिर से हमें यही कॉपर व्हाइट और कॉपर मोती लेना है। और फिर इसी तरह हमें एक कॉपर ब्लू और एक कॉपर मोती लेना है। ये मैंने चेको मोती लिए हैं और इसको दल के मोती भी कहते हैं। देखिए अब हमें पदक लेना है। पहले हमें एक कॉपर मोती लेना है, फिर ये पदक और फिर कॉपर मोती। और अब हमें पांच ब्लू मोती लेने हैं, सॉरी अब हमें छह ब्लू मोती लेने हैं। छह मोती ब्लू लेने के बाद ये लास्ट का मोती है, उनमें से हमें निकलना है। और अब हमें एक व्हाइट मोती लेना है। व्हाइट मोती ले लिया और दो मोती छोड़ के हमें इनमें से निकलना है।
अब हमें फिर से एक कॉपर वाइट और एक कॉपर मोती लेना है और ये कंप्लीट करना है माला जी। देखिए हमारे फूल के माला जी बन के रेडी हो गए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। ये माला जी अब उष्ण काल में ठाकुर जी को धरा सकते हैं। अब हमें यहाँ धागे करने हैं लालन। मैंने सुई में धागा पुरा लिया है और यहाँ लास्ट में से एक बड़ा मोती लेना है। और इस मोती में समय फिर से एक बार इसी तरह मैं दूसरी बार भी और फिर हमें लास्ट में एक गांठ लगा देनी है। ये मोती हमारा निकलना चाहिए और अब हमें यहाँ हमारे माला जी बन के रेडी है। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। आप अपने ठाकुर जी के लिए अवश्य बनाए और मुझे कमेंट करें आपको ये माला जी कैसा लगा। जय श्री कृष्णा।